एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया सा वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए, ये किट्टू के भाई साहब है जो चेयर पे बैठ के आराम फरमा रहे हैं। सो आज मैं कोई आप लोगों के लिए कोई गेट टू चैलेंज वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं अपने घर होम टूर करवाऊँगी, आज नया ब्लॉग दूँगी आप सबको। मैंने किचन टूर तो करवा दिया है, बट बहुत दिनों से सोच रही थी कि होम टूर दूँ, और कमेंट भी आ रहे थे होम टूर के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज फाइनली होम टूर दे ही देती हूँ। सो अभी तो मैं कमरे में हूँ। हमारा रेंट का कमरा मकान है, और वहाँ ना किट्टू बाल्टियों से खेलता है। बस उसे शाम हुई कि वो खुली छत पे जाएगा, तो बाल्टी रखी रहती है, मग्गे रखे रहते हैं, उन सबसे खेलेगा। आंटी की बाल्टी रखी है, उसको गिराएगा उठाएगा, गिराएगा उठाएगा। हमारा रेंट का कमरा मकान है, तो एक कमरा किचन है हमारा। सो मैं छोटा सा घर है मेरा, तो मैं आप सबको वही होम टूर करवाऊँगी। ठीक है, चलो रेडी, चलिए बैक कैमरा करती हूँ। ये देख सकते हो आप, किट्टू खेल रहा है किट्टू। और ये हमारी ओपन छत है, बिल्कुल खुली हुई छत है, और यहाँ देखो किट्टू खेल रहा है। सो यहाँ से करते हैं एंटर कमरे में। ठीक है, आ जाओ सब, आ जाओ। ये देख सकते हो वहाँ पे हमारा बेड है, ये हमारी अलमारी है, और ये मेरा फ्रिज रखा है, और इधर कॉर्नर के साइड पे मेरी टीवी रखी है, और टीवी के बगल में सैनिटाइज़र है, और ये मेरी मशीन है। मुझे हल्की फुल्की सिलाई आती है, और ये किट्टू का घर, ये रखा है किट्टू की गाड़ी। मैं हल्की फुल्की सिलाई कर लेती हूँ, इसलिए मैं सिल रखी है। आप लोग सोचोगे टेलर हो क्या? मैं टेलर नहीं हूँ, बस अपने पहनने लायक कपड़े बना लेती हूँ। और ये हमारी एक चेयर रखी है, दो चेयर थी तो एक चेयर ना टूट गई, ये भी टूटी हुई है, बट ये इतना दिख रहा है कि हाँ मतलब ये है। वो चेयर के तो पैर ही बिल्कुल अलग हो गए थे। और इधर हमारा फ्रिज है, और वो ना फ्रिज का जो गत्ता होता है ना, जिसमें फ्रिज कवर होके आते हैं, उसको मैंने उधर रख रखा है, क्योंकि कहीं जैसे लाना ले जाना हो ना, तो उसमें कवर कर लो और फिर चले जाओ लेके। हमारा ये रेंट का मकान है, और ये देखो किट्टू की टैडी, दो दो टैडी है। ये रेड वाली है ना बड़ी वाली, वो किट्टू को गिफ्ट में मिला था, और ये छोटी वाली हमारी पहले की है। और इधर मेरी ड्रेसिंग रखी है, सॉरी इग्नोर कीजिए, मैं आ गई। इधर हमारी ड्रेसिंग रखी है, मैं आ गई। और यहाँ एक छोटा सा अलमारी है जिसमें मैंने पर्दा लगा रखा है। यहाँ पे मैंने मंदिर बना रखा है, आप सबको दिखाऊं। ये हमारे भगवान जी हैं, ये पूरा अलमारी का मंदिर का, ये पूरा मंदिर का सेक्शन बना रखा है। और यहाँ पे किट्टू के खिलौने रखे हैं, और ये बिस्तर रखे हैं, एक्स्ट्रा बिस्तर होती है ना। और ये किट्टू की इसमें दवाई वगैरह रखते हैं, दवाई पाउडर, इसे किट्टू का सामान होता है इसमें। और ये इधर से हमारा किचन का गेट जाता है, इधर से हमारा दूसरा गेट है जो हम किचन के साइड जाते हैं, क्योंकि इस गेट की ना, ये गेट बिल्कुल खुली हुई छत है ना हमारी, तो ये गेट हमेशा मैं लगा के रखती हूँ ताकि धूप ना आए, क्योंकि धूप सुबह 6 बजे से उगते ही धूप कमरे में आती है, तो ये गेट और पर्दा मैं हमेशा लगा के रखती हूँ, और इस गेट से हमारा आना जाना होता है, और बस और कुछ नहीं है। और ये देखो, ये मैंने बटरफ्लाई बनाई थी पेपर से, ये मैंने खुद बनाया है, ये भी मैंने बनाया है। कितनी खुशी होती है ना जब अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ कुछ दिखाओ तो। और ये मैंने हस्बैंड जी को गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे। ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने बनाई है, ये पीकॉक है। ये माचिस की खाली डब्बी होती है ना, उनसे बनाया ये रेड वाला, ये पीकॉक गत्ते से बनाया। ये हमारी फोटो है, आप लोग देखो,
इधर हस्बैंड है, इधर मैं हूँ, और ये हमारे बीच में शादी की फ़ोटो है। और ये दोनों फ़ोटो है ना, ये ना शादी से पहले जब हमारे हस्बैंड जी वैष्णो देवी गए थे ना, वहाँ की फ़ोटो है। और ये देखो, ये फ्रिज के ऊपर मैंने छोटा सा फ्लावर पॉट रख रखा है। और ये बिट्टू के भाई साहब बैठे हैं मस्ती में चेयर पे। बस कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अगर हम हमारा घर आप लोगों को अच्छा लगे तो। वैसे मेरे घर में बहुत रोशनी आती है, उस थैले में किट्टू के कपड़े रखे हैं, बट मैं ना ये गेट हमेशा लगा के रखती हूँ। उधर देखो किट्टू खेल रहा है, सारे खिलौने भी खेल के किट्टू खेल रहा है। और इधर से हम जाते हैं किचन की साइड, बस यहाँ पे ब्रश वगैरह रखने का है। और ये दो रस्सी लगा रखी है मैंने किट्टू के कपड़े वपड़े सुखाने के लिए। ये घड़ी मेरी ख़राब हो गई, इसमें सेल डालनी अभी डाली नहीं हो रही। और आते हैं किचन के साइड, ये हमारा गैस चूल्हा रखा है, यहाँ लाइटर टंग रहा है स्टैंड में। और यहाँ पे मसाले के कुछ डब्बे रखे हैं, मसालदानी है, इसमें तेल वगैरह डब्बे रखे हैं। ये भी छोटे मोटे इसमें कुछ बच जाते हैं ना, उनमें सामान जैसे मसाले वगैरह लाते हैं तो उनमें रख देती हूँ मैं। और ये हमारे बर्तन, ये बर्तन का स्टैंड। इधर बस टोकरी लगी हुई है और कुछ नहीं है। मैं फ़ोन यहीं चार्ज करती हूँ, क्योंकि कमरे में ना दो ही स्विच बोर्ड है, तो उसमें एक में फ्रिज लग जाता है और एक में कूलर, तो फ़ोन को ना मुझे कम किचन में ही चार्ज करना पड़ता है। और इधर नीचे मैं सब्जी वब्जी की टोकरी, सिलेंडर, पानी और कुछ नहीं होता। मैं अपने किचन में बहुत थोड़ा सामान रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है अलावा समझ आके रखो। और यहाँ पे भी छोटा सा एक मिरर लगा रखा है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और ये हमारी खुली छत है, यहाँ पे कपड़े वपड़े सूख रहे हैं। और यहीं पे बैठ के मैं बर्तन कपड़े सब धोती हूँ। और ये हमारा टॉयलेट, इधर हमारा वॉशरूम, ये हमारी खाट है। अब आप सबको दिखा दिए, देखिए कैसे जा रहा है ये, देख लो इसे कैसे जगह बना के ढूंढ रहा है कि मैं उस तरफ जाऊं और ये साबुन उठाएगा। कि तू क्या कर रहे हो हैं? उसे नहीं, इधर से इधर उठा के लिया। किट्टू किट्टू बाय। इधर सारे खिलौने भी खेल के खेल रहे हैं। सो यहीं तक था मेरा होम टूर का सफ़र। कैसा लगा आपको मेरा घर, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि मैंने बालों में तेल लगाया तो कैसे चिपके चिपके सी लग रही हूँ मैं। आज मंगलवार था इसलिए मैंने बाल नहीं धोए, कल धोऊँगी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों को मिलती जाए। और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, आप लोगों से बहुत 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 रिक्वेस्ट है। थैंक यू।